महादेव। पहलगाम से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। अब हम लोग पहलगाम से चंद्रवाड़ी के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा ग्रुप है, ये हमारे विक्की भाई है, ये हमारे आगे तीन भाई और हैं, वो जा रहे हैं आगे आगे। और इतना सुंदर नज़ारा है और देखते ही ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। इधर सब यात्री लोग निकल चुके हैं, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करने लगे हैं। ये देखिए चंदनवाड़ी का नज़ारा, कितने लहंगे देखिए, ये सारे चंदनवाड़ी के हैं। ये देखिए सारे के सारे, और ये हमारे, ये देखिए, ये अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई और पिट्ठू घोड़ा इन लोगों को चाहिए। और ये हमारे जिम के ट्रेनर हैं, और जैसे ही इन्होंने देखा कि चढ़ाई शुरू हो गई है, घोड़ा पिट्ठू चल रहा है। और ये मेरा भाई है, हरियाणवी है, ये बहुत ही बढ़िया, ये कितनी बार आगे आ चुका है। और हम लोग पैदल यात्रा करेंगे और इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ये पहलवान जिम में बहुत तेज रस्सियाँ खींचता है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पा रहा है। पहलवान खुश हो गया है। यहाँ से अब हम चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप कल ये पहुँचे हैं। यहाँ से पिस्सू टॉप की 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। अब हम लोग वहाँ जाएंगे। अब देखिए वहाँ से हमें कितना टाइम लगता है पिस्सू टॉप जाते, तब आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगता है हमें। अब हम लोग यहाँ से पिस्सू टॉप की चढ़ाई करने जा रहे हैं। जय शंकर। ये है पिस्सू टॉप की चढ़ाई। देखिए कैसे यहाँ से जाते हुए इधर ऐसे ओ देखिए कहाँ तक जाना है। देखिए ये देखिए कैसे जाना, देखिए कितनी दूर। ये है पिस्सू टॉप की चढ़ाई, और श्रद्धालुओं का उत्साह देखिए कैसे जा रहे हैं बम बम भोले करते हुए। जय शंकर। ओ बड़ी देर भई कब लोगे खबर बोलेना, कब लोगे खबर बोलेना। चलते पगहारे कब लोगे खबर भोलेना, कब लोगे खबर भोलेना। जय शंकर। अभी हम पिस्सू घाटी की तरफ से होके अब जोजीवल की तरफ जा रहे हैं।
पिस्सू घाटी से होके जोजीबल की तरफ जा रहे हैं। अब जोजीबल की चढ़ाई आएगी, वो आपको दिखाएंगे कैसे है वो। देखिए ये जोजीबल की तरफ जा रही चढ़ाई, नीचे का नज़ारा देखिए। देखिए पिस्सू टॉप से जोजीबल आते हुए का नज़ारा कितना बढ़िया, देखिए क्या नज़ारा है। ओ देखिए ऊपर बर्फ, देखा, और ये देखिए आप, जो जीबल पहुंच गए। अब हम इससे आगे अब शेषनाग जाएंगे, वो 4 किलोमीटर है, और आगे जाके देखते हैं शेषनाग का भी नज़ारा। तो अभी आप ये देखो यहाँ पर कैसे लंगर लगा रखे हैं, देखिए, और पूरा ये नज़ारा देखिए। ये जो जीबल का नज़ारा यहाँ पर पहुँचते हैं। अब हम जाएंगे आगे शेषनाग, उससे पहले 1 किलोमीटर आएगा नागकोटी, और उसके बाद शेषनाग, फिर आपसे मिलते हैं शेषनाग पहुंचने में। जय शंकर। बम 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 बोले बोले शेषनाग जाने में अभी 2 किलोमीटर है और बहुत बारिश हो रही है। ये देखिए शेषनाग झील, ये नीचे शेषनाग झील है, ये देखिए, और बारिश बहुत हो रही है, और हमारे पास इनर सूट भी नहीं है। जय शंकर। शेषनाग को 2 किलोमीटर रह गई पहुंचने के लिए, और शेषनाग झील में देखिए कैसे नज़ारा है। शेषनाग जी, ये शेषनाग जी का ही नज़ारा है, देखिए आप दर्शन कर लीजिए। बारिश हो रही है फिर भी झील में देखिए कैसे लाइनें आ रही हैं। जय शंकर। जीबल से अब हम शेषनाग घाटी पहुंच चुके हैं, और बारिश यहाँ पर भी बहुत हो रही है, ये देखिए, ये सब सब देखिए, ये देखिए बारिश बहुत हो गई है, सारा का सारा चिक्कड़ ही चिक्कड़। ये शेष घाटी है, यहाँ पहुँच चुकी है, बारिश अभी भी हो रही है। अभी हम शेषनाग से गुफा की तरफ, भवन की तरफ जा रहे हैं, और लेट बहुत हो गए। हमने सुबह 5 बजे उठना था, लेकिन हम लोग बहुत लेट उठे, 9 बज गए। अब हम घोड़े कर रहे हैं, क्योंकि सब के सब बहुत थके हुए हैं। हम लोग अब जहाँ से घोड़े करके सीधा ऊपर जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि 2 के 3 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। जय शंकर। जय शंकर। अब हम घोड़े पे बैठ गए हैं, ये पीछे देखिए बल्ली भैया, और हम सब आगे भी हमारे सारे साथी घोड़े पे हैं,
और यहाँ से हमने शुरू कर दिया पिसू टॉप की, कहाँ की सॉरी, गणेश टॉप की, गणेश टॉप की चलाइए, जो कितने किलोमीटर है जी? 14,800। अरे भैया गणेश टॉप की, हाँ कितनी है? 14,800 फीट है इसकी ऊंचाई, 14,800 फीट ऊंचाई है इसकी। और घोड़े पे हम लोग बैठे हुए हैं और डर भी लग रहा है, पहली बार घोड़े पे जा रहे हैं, आगे दर्शन हम लोग पैदल जाते हैं। और वो जो घोड़े वाले ड्राइवर है कहते हैं डरो मत, आगे झुकना, आगे आगे झुक जाओ, लेट जाओ, अब आगे झुकने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो जय शंकर। अब हम जहाँ से गणेश टॉप पहुँच गए हैं 14,800 फीट ऊपर, और आगे जाएंगे पोषपत्री 2 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए इसे कहते हैं स्वर्ग, ऐसे नहीं लोग यहाँ पे भागे आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब आगे जाएंगे पोषपत्री। जय शंकर, जय शंकर। अब हम पोषपत्री पहुंच चुके हैं जी, अब इससे आगे हम लोग जाएंगे पंचतरणी का जी, थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे। और ये इसके आपको दिखाता हूँ मैं अभी, दिल्ली वालों का जो लंगर लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये है दिल्ली वालों का, देखिए शंकर। अब हम यहाँ पंचतरणी पहुँच चुके हैं, पंचतरणी से हम लोग अब जाएंगे आगे जो 6 किलोमीटर का रास्ता भवन का, वहाँ जाएंगे और 15 मिनट रह गया हमारा गेट पास के लिए, बस निकल रहे हैं हम लोग। जय शंकर, जय शंकर। ये देखिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, 15 मिनट रह गए हैं गेट पास के लिए। जय पंचतरणी है, इससे आगे 2 बजे हमें गेट पास मिलेगा, तभी आगे भवन की तरफ जाएंगे। बस देखिए ये सब है, अगर 1 मिनट भी हम लेट हो गए, वो कह रहे हैं वो उसी टाइम रास्ता बंद हो जाएगा, फिर यहीं रहना पड़ेगा हमें। देखिए जी है पंचतरणी, जैसे टेंट लगे हुए हैं सारे, ये देखिए और पूरा नज़ारा देखिए आप।
इधर देखिए, ये है पंचतरणी। बस वो सामने गेट है, वहाँ तक पहुँचना है हमें, और उसके बाद आगे भवन के लिए निकलना है। एक मिनट भी लेट हो गया तो रास्ता बंद। जय शंकर, शंकर। आखिर हमने वो गेट पास कर दिया और पार करके गेट हम लोग अब आगे जाने लगे हैं। ये है आगे जाने का रास्ता। जय शंकर, जय शंकर। आखिरकार हम लोग गुफा के पास पहुंच गए। बाबा जी के पूरे दर्शन करने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। दो किलोमीटर का रास्ता है पैदल का। अब हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, बाबा जी की गुफा। और ये देखिए आप सब, ये हमारे भाइयों के शिविर हैं। ये देखिए मिलिट्री कैंप, ये सब। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाबा जी की गुफा के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए वो सामने यहाँ पे रेड रेड है, वो बाबा जी की गुफा है। और ये देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं अब उसी रास्ते की तरफ जहाँ के बाबा जी के दर्शन होंगे। और ये है यहाँ का नज़ारा, देखिए। जय शंकर। बस थोड़ा इंतजार और, फिर आपको दर्शन दिलाऊंगा। आप दर्शन करेंगे बाबा जी की गुफा का, आपको दर्शन कराऊंगा। बस थोड़ा सा दर्शन, देखिए ये बाबा के घर का नज़ारा। बस थोड़ा सा मैं और लगेगा, फिर आपको दर्शन करवाता हूँ। जय शंकर। ये है बर्फ का ग्लेशियर। अब लो जी, अब आपका आपकी जितनी आप इंतजार कर रहे थे बाबा की गुफा का दर्शन कर लीजिए, आप करें पवित्र गुफा का दर्शन। हर हर महादेव, वो सामने जहाँ पे वो रेडर किए वो गुफा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये है इधर का नज़ारा, बाबा की नगरी देखिए। ये है बाबा की नगरी, देखिए बाबा की नगरी। ये देखिए, ये देखिए, ये है बाबा की नगरी और ये बाबा का घर। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते। आप सारे पहाड़ा चा गए, बल्ले बल्ले हो गई, ओ बल्ले बल्ले हो गई। विक्की बाजी नचो यार, पार्टी लेड़ी थल्ले जाके पार्टी लेड़ी। जय शंकर। अब हम दर्शन करने के बाद वापिस जा रहे हैं बालटल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने जो क्लॉकों में बैग दे रखे हैं वो लेने जा रहे हैं। और दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन बाबा जी नहीं दिखाई दिए हमें, वो चले गए थे। चलिए अगली बार सही, लेकिन उनका उनकी पवित्र गुफा पे दर्शन किए, बहुत आनंद आया। और कोशिश कीजिए जहाँ पहुँचे यहाँ पे। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो गुफा
बोल लो कुछ, ताड़े जवान है नी मुंह च, हर हर महादेव। ओ गुफा ते ले फोटो खिचनी वीरे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। धगत 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 ज्वलललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम। चटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले गलम्ब लंबिताम्बुजंग तुम्ब मालिकां टमट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नील कंठ गंगाधर आय शरणं ते हा।